दतिया के ग्राम रेड़ा में खेत में मवेशी घुसने से हुए विवाद में 5 लोगों की हत्या के अपराध में नामजद सभी आरोपियों को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के गिरफ्तारी पर आईजी चंबल ने 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। आपको बताते चले कि बीते 9 सितंबर को रेड़ा गांव में दांगी एवं पाल समाज के लोगों में खेत में मवेशी घुसने पर विवाद शुरू हुआ। दोनों पक्षों ने सिविल लाइन थाना में मामला दर्ज कराया। इसके बाद 13 सितंबर को गांव के गुरुदेव मंदिर पर सुलह के लिए ग्रामीण पंचायत करने वाले थे, पर इससे पहले ही सुबह 10 बजे दोनों पक्षों में विवाद भड़क गया। गोलीबारी हुई जिसमें दोनों पक्ष से 5 लोगों को गोली लगने से मौत हो गई थी, जबकि 7 लोग घायल हो गए थे। इस गोलीकांड में पुलिस ने दोनों पक्षों की एफआईआर पर 31 लोगों को आरोपी बनाया और प्रत्येक पर 20,000 रुपए का नगद इनाम घोषित किया और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में आरोपियों की धरपकड़ शुरू की गई और कुछ लोगों को पकड़ा गया। इसी क्रम में थाना सिविल लाइन दतिया पुलिस ने उक्त दोनों प्रकरणों में फरार चल रहे आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापा मारा और करीब 12 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में चरण सिंह दांगी, संजय दांगी, अशोक पाल, नरेंद्र पाल, सुरेश बलवीर, करण सिंह पाल, विकास पाल, वीर सिंह दांगी, नाथुराम दांगी, सत्यम दांगी, शिवम दांगी शामिल हैं, जो सभी ग्राम रेड़ा जिला दतिया के रहने वाले हैं। दतिया से शैलेंद्र सिंह बुंदेला की रिपोर्ट।